इस वक्त हमारे साथ वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी मौजूद हैं। विजय जी, चीतों को छोड़ने को लेकर आपके बारे में बहुत बातें कही जा रही हैं कि आप नाराज़ हैं टाइमिंग को लेकर, या आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं रखा, क्या कहेंगे आप? चीतों का विदेशों से ला कर के यहाँ पर रखना, उनका नियंत्रण और उनकी सारी गाइडेंस टास्क फोर्स करती है, जिसमें इंटरनेशनल मैटर है। इंटरनेशनल मैटर में अफ्रीका में बैठे हुए, नामीबिया में बैठे हुए, देहरादून में बैठे हुए, पीएमओ में बैठे हुए और दिल्ली की सरकार में बैठे हुए हमारे एक दो अफसर उसमें हैं। मैं नहीं हूँ टास्क फोर्स। अंतर्राष्ट्रीय जानवर को जो पहली बार दुनिया में कहीं प्रतिस्थापन हुआ है, कैसे छोड़ना, कब छोड़ना, प्रधानमंत्री जी से हमारी जब बात हुई थी कि एक महीने के बाद कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य कारणों से जिनको मैं अभी आपको बता नहीं सकता, टास्क फोर्स का निर्णय था सामान्यतः 6 तारीख को छोड़ने की हमसे बात हुई थी, क्योंकि मैं 6 तारीख को पहुंच नहीं पा रहा था कि मीटिंग थी। अचानक फिर उन्होंने 5 तारीख को ही छोड़ दिया, तो मैंने कहा कि भाई या तो आप मुझे बताते, तो वो कोई खास बात नहीं। उन्होंने कहा सर हमें 2 चीते छोड़ने थे ताकि हम टास्क फोर्स के माध्यम से इंटरनेशनल लोगों में और टास्क फोर्स के जो नामीबिया में और साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं उनका कहना था कि भाई जितनी जल्दी हो सके आप छोड़ दीजिए। अभी केवल 2 चीते छोड़े हैं उन्होंने, बाकी सारे चीते अभी वहाँ बाकी हैं और उनके गतिविधियों को देखते हुए अब हम लोग जाकर के फिर बाकी चीतों को हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे। चीता प्रोजेक्ट किस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि 2 छोड़े गए, क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया अपने, बाकी को छोड़ेंगे और आगे क्या विभाग करने जा रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी नामीबिया और अफ्रीका के वैज्ञानिक हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, 24 घंटे टीचर जो चीते हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे विदेशियों की नज़र उस पर है। अच्छी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, सारे चीते स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और जिन चीतों को हमने कल छोड़ा था उन्होंने आज शिकार भी किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग रह रहे हैं। और आज हमारे पास पूरी जानकारी भी आई कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर यहाँ के जानवरों को शिकार करके अपना पेट भरा है। दैट मीन्स वो काफ़ी यहाँ से इसके हिसाब से, यहाँ के वातावरण के हिसाब से, यहाँ के जंगलों के जानवरों के हिसाब से काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं और बाकी चीतों को अब हम लोग जब बात करके छोड़ना चालू करेंगे। अंत में एक सवाल, जिस तरह से विजय शाह जी बहुत क्लियर कट बात करने के लिए जाने जाते हैं और पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी और आपने क्लियर किया कि देखिए टास्क फोर्स है और उसका एक तरीका है, लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस में लेते तो ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, कुछ बात नहीं थी, खाली बात उतनी थी कि हमने कहा था कि 6 तारीख को या 7 तारीख को छोड़ेंगे। अब जब उनकी मीटिंग हुई उसमें मैं नहीं हूँ और उनकी मीटिंग में यह निर्णय उन्होंने कर दिया कि नहीं हम 5 तारीख को ही छोड़ेंगे, तो उसको लेकर के हमारी बात हुई थी कि भाई हमें जानकारी मीडिया से मिल रही है, अगर आप बता दें कि 5 को छोड़ेंगे तो मैं भी आ जाता, तो वो कोई बहुत इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन बाकी चीते हैं, अभी हम लोग जाएंगे और जिस तरीके से वो घुल मिल गए हैं, किल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बाकी चीतों को भी हम बहुत जल्दी छोड़ेंगे और 8 चीते और अफ्रीका से आने वाले हैं। भविष्य में हम नोरादेही और गांधी सागर, क्योंकि 20 से ज़्यादा चीते हमारे पास जगह नहीं है कि हम कूनों में रख पाएँ, और हम बहुत जल्दी गांधी सागर में फेंसिंग कराने का काम शुरू करेंगे। तो मंत्री विजय शाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर था, अगर उसको फॉलो किया जाता तो बेहतर होता। हालांकि आगे जब चीते छोड़े जाएंगे तो मंत्री जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, इस बात की एक तरह से तस्दीक वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल।